<laughs> क्या है? कप का मैं आ गई है आज इनके स्कूल में कुकिंग कंपटीशन था है ना अलीसा मैं हाँ।, हाँ और तुमने पार्टिसिपेट किया था दोनों ने हाँ। अरे पार्टिसिपेट करना ही नहीं तो मैम ने अपने मन से ही कर दिया हाँ अपने मन से ही नाम लिख दिया हाँ। क्या क्या करा फिर तुमने हमने डोनट बनाया श्रीखंड बनाया और हमने बनाया फ्रूट सैलेड और हमने बनाया पाव नींबू पानी और भेलपुरी नींबू पानी भेल और भेलपुरी और ठंड में नींबू पानी आओ आओ आ जाओ हिजा को आना है और ये हिजा आ गई और हमारी क्लास में एक एक बच्चे ना ना चॉकलेट लड्डू बनाए चॉकलेट लड्डू बनाए तो मैं थे हाँ खाए थे बहुत हमने बनाया और हमको ही खाने वाली मिला है। हाँ, तो मैंने, मैंने, मैंने डोनट्स बनाए थे तो सब बच्चे ऐसा आया की पहली बार खा रहा पूरा चटका के हमे वाला और हमारे भिलपुरी तो वो सब चटका सारे बच्चे क्लास के बेटा खा लेती उनका खा लिया तो उन्होंने छुपा छिपा के रखे थे सब कुछ ही साफ कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं था उनका अब हिजा जाना चाहती है नीचे को मस्ती करनी है नहीं, आ, नहीं नहीं ना। नहीं, तो क्या ना बताया कि उनका आज कुकिंग कॉम्पिटिशन था स्कूल में वो फायरलेस था और कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था उनका पूरा प्रिपरेशन रहा था सब कुछ सामान उन्हें लाके देना था स्कूल से अलग अलग चीज़ें मंगवाई थी पूरी टीम डिवाइड हुई थी बेसिकली और सब टीम को एक एक चीज लानी थी हर एक मेम्बर्स को तो होप्स उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उनकी टीम जीत जाए दोनों अलग अलग क्लासेस में हैं और आजकल इफ्रा को भी टाइम नहीं मिल रहा है उसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वो शाम को आ नहीं रही है तो उससे भी ज़्यादा बात नहीं हो पा रही कल हमें एक पार्टी में जाना है वहाँ आपको भी लेकर जाएंगे और सब चीज़ें में सबसे मिलाएंगे सब चीज़ बताएंगे कहाँ जाना है हमें क्यों हिजू हिजा अभी सो कर उठी हैं तो ऐसा मूड हो रहा है जो दोपहर में सो नहीं पाई थी उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी तो अब शाम को सो गई थी और हिजा की नानी भी हिज़ा को बहुत याद कर रही हैं उसकी खालाएँ भी उसे बहुत याद कर रही हैं है ना हिज़ा हाँ हिजा की नानी भी बहुत याद करेंगे अपनी नानी से बात करती हैं वो अपनी खालाओं से बात करती हैं वीडियो कॉल पे करती हैं नॉर्मल कॉल पे भी बात करती हैं है ना हिजा कैसे बात करती हो आप क्या बोलती हो क्या बोलती हो आप मम्मा मम्मा कैसे बोलती हो आप फ़ोन पे बात करेंगी करेंगीयता आयता बोलेंगी फ़ोन पर बात करती हैं आयता करती हैं और क्या बोलती हो होजा मम्मा मम्मा बोलती हैं आजा आजा बोलती हैं ऐसे उनकी नानी से भी डेली बात चलती है उनकी खालाओं से भी बात होती है सबसे ऐसी बात करती हैं क्या हुआ हिजा और ये जो डक है ये हिजा का फेवरेट टॉय है वो पूरा टाइम इसे चबाती रहती है है ना क्यों हिजू डक कैसे बोलती है क्वैक 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 हंसी आ गई हंसी आ गई डक कैसे बोलती है क्वैक 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 ऐसा हिजा के साथ रोज हम लोग खेलते हैं है ना हिजा आप थोड़ा सा मूर टिक हुआ है हिजा का क्यों हिजा अरे बाप रे ऐसी ऐशी नैनो आ लाइये अच अचानक से मौसम फिर चेंज हो गया है फिर वापस बहुत ठंड पड़ने लगी है है ना हाँ बहुत ठंड पड़ने लगी रात को हम लोग वापस आग जलाते हैं हाथ तापते हैं ऐसा कर रही हैं और बोल रही हैं मैं भी ऐसा करूँ तो डेली ऐसी अभी हाथ ताप रहे वापस और वो जो डॉगी आती थी अभी खाना खाने के लिए वो नहीं आ रही है आजकल पता नहीं उसे कहीं और से खाना मिल रहा है तो वो आजकल नहीं आ रही है उसके पपी छः थे जैसे मैंने बताया था बट अब वो चार ही बचे हैं कल सभी बच्चों को सैंडविच खाने थे तो सबके लिए सैंडविच बनाए थे आज सबको ब्रेड बड़े खाने थे तो सबके लिए ब्रेड बड़े बने थे हिजा ने भी काफी अच्छे से ब्रेड बड़े खाए है ना ऐसा हिजा ने भी काफी शौक से ब्रेड बड़े खाए अब उनका मूड जितना होता है वो खा लेती है नहीं तो फिर नहीं खाती कितना ही खिला दो आप उनको सभी बच्चों के लिए कल मैंने सैंडविचेस बनाए थे क्योंकि उन्हें कल सैंडविच खाने थे आज उन्हें ब्रेड बड़े खाने थे तो उनके लिए ब्रेड बड़े बनाए और आओ बेटा हिजा ने भी आज ब्रेड बड़े खाए थे है ना ऐसा और हिजा सीढ़ी चढ़ना सीख गई है हिजा एक स्टेप ले लेती है हम है ना हिजा एक स्टेप तो चढ़ना सीख गई है अब वो सीख ही जाएंगी बेसिकली दो तीन दिन में तो और चढ़ने लग जाएंगी ऊपर को है अभी तो उन्हें बहुत पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है कुछ भी जरा सा भी छोड़ो और बाहर भाग जाती है कभी बाहर भाग जाती है कभी सीढ़ी की तरफ भाग जाती है क्यों हिजा अभी उन्हें प्लेन सर्फिस पे तो काफी अच्छे से चलने आ गया है उसके छोटे दादा ने पत्तियां तोड़ना सिखा दी है फूल तोड़ना सिखा दिए तो बस अब वो वही लगा रहता है उनको जाती हैं गमलों के पास या गार्डन में वहां से फूल तोड़ती हैं और और हिजा को डॉगीज भी बहुत पसंद है ना डॉगी भगाने जाती हैं दादा के साथ वो डेली क्यों हिजा? और डॉगी आ जाता अब तो चलती हैं तो वो डॉगी के पीछे पीछे भागती रहती हैं बस पूरा टाइम अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है की मैं अपनी वॉर्ड्रोप से ही कर सकू या हिजा की वार्ड्रोप से ही कर सकू उसके पापा की तो मैंने कर दी थी अभी हम दोनों के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है शाम को थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है शाम को वो हिजा या तो सो जाती है या रोती रहती हैं तो उसमें ही वो टाइम टाइम चले जाता है अभी अभी जैसे अब बस खाने का टाइम हो जाएगा डिनर का और फिर वही हाथ थापेंगे करेंगे ऐसे ही रात हो जाएगी और फिर सो जाएंगे फिर ऐसे टाइम ही नहीं मिल रहा है आजकल बिल्कुल भी क्यों हिजा इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा